गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुभाष आज YouTube के माध्यम से एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इसमें हम लोग बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के ऐसे 12 आसन का, जिसको कि अभ्यास नियमित रूप से आप अभ्यास करके अपने आप को फिट और सुडोल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सूर्य नमस्कार को करने के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि खुली जगहों का चयन करना है। आप अपने छत पर कर सकते हैं, कोई अपने ग्राउंड में कर सकते हैं, या फिर आप अपने बगीचे में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा आज मैं आपको 12 आसन सूर्य नमस्कार के मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है, और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में आप इसे 5-6 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करिए, आप 10-15 मिनट तक यदि करते हैं डेली, तो आपको नियमित करने से इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। आप इसको करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस मुद्रा में खड़े रहेंगे और इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। ये पहली है आसन आपका। दूसरा है आपका, देखना है कि ये अपन ऊपर की ओर जाते हैं इस तरह, जितना अपन की बॉडी मूवमेंट चली जाए। फिर थर्ड आसन की ओर जब बात करें तो अपने आप को नीचे की ओर झुकाना है, धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए, और अपने हाथ को जमीन पे टच करना है। फिर चौथे आसन की बात करें, चौथे आसन में अपना लेफ्ट पैर निकाल करके जितना बाहर जाए आपको सामने की ओर देखना है, ऊपर की ओर। और पांचवे आसन में आपको दूसरा पैर भी निकालना है और इस तरीके से अपने आप को खड़े हो जाना है। फिर छठवें आसन की जब बात की जाए तो आपको ऐसे करके अपने घुटने और अपना चेस्ट वाला और अपना दाढ़ी वाला हिस्से को आपको यहाँ ज़मीन में टच करना, सामने देखना। फिर इसको धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है और देखना है। भुजंग आसन इसको बोलते हैं, ये आपको इस तरह करना है। फिर इसके बाद आप अपने शरीर को इस पोजीशन में ले आकर के रखना, इसको पर्वत आसन बोलते हैं। फिर यहीं से आठवीं पोजीशन फिर स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको इस तरह से करना है राइट पैर को, फिर आपको ऊपर देखना है, और फिर इस वाले को भी करना है, और अपने हाथ को ये ऊपर की ओर ले जा करके श्वास भरते हुए, और फिर लास्ट में आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ आपके लास्ट में खत्म 12 आसनों का ये जो सूर्य नमस्कार था, यहाँ पे ख़त्म हुआ। दोस्तों, इसको नियमित करने से इसके लाभ आपका पाचन तंत्र सही हो सकता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो सकता है, प्लस आपके एक्स्ट्रा बॉडी के जो फैट हैं वो भी धीरे धीरे बर्न हो जाएंगे। तो इसके देखिए दोस्तों बहुत सारे फायदे, बस करने की बात है। आपको नियमित अभ्यास करना होगा और डेली बेसिस पे करना होगा। कम से कम आप 10 से 15 मिनट अपने लाइफ का समय दीजिए और अपने बॉडी को सुडोल और स्वस्थ बनाइए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं यदि आप सावधानियां नहीं बरते हैं। यदि आपके कमर में दर्द हो तो आप बिल्कुल बिना डॉक्टर के सलाह से ये अभ्यास न करें। कोशिश करें कि आप अपने आप को बिना, जब तक अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई दर्द न हो और कमर में कोई खिंचाव न हो, तभी आप इस आसन को करें। तो दोस्तों, ये था सूर्य नमस्कार के ऊपर मेरा वीडियो, जिसमें आपने 12 आसन के बारे में सीखा। आपको ध्यान रखना है कि इसे डेली करना है और नियमित करना। कोशिश करिए 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में करिए, आप धीरे धीरे से आप 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। देखेंगे कि इससे करने से आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कमर से ऊपर का हिस्सा प्लस कमर से नीचे वाला भी हिस्सा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।